शायद ही किसी ने देखी होगी, ठीक है, और देखी, और देखी है तो अच्छी बात है क्योंकि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, ठीक है। बहुत ही इजी और बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ गाइस, नहीं बताई होगी किसी ने, ठीक है, ध्यान से देखना। वेलकम टू द पुनीत फिटनेस गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। तो गाइस आज मैं आपके सामने ट्रैप्स की वीडियो लेके आया हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जैसे और दो एक्सरसाइज की तरह जो मैंने दो एक्सरसाइज दी है वैसे ही आपको एक वेरिएशन दूंगा मैं, ठीक है, और काफ़ी नई एक्सरसाइज इसमें ऐड की है तो देखना जरूर। और जिसके ट्रैप्स नहीं है मैं दिखा नहीं रहा, बता रहा, ठीक है, मेरे तो है क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, तो चाहता हूँ कि आप भी इसको परफॉर्म करें, ठीक है, ताकि जो आपके जो ट्रैप्स हैं वो भी अच्छे दिखने लग जाए, क्योंकि गाइस ट्रैप्स से ही बॉडी खिल के आएगी। एक तो आपके शोल्डर होगी जो आपको बोर्डनेस देते हैं, लेकिन जो आपके जो ट्रैप्स है ये वाला पार्ट, समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे आप काफ़ी सेक्सी लुक मिलती है आपको, ठीक है ना, कपड़े पहनते हैं या कभी टी शर्ट में घूमते हैं या कभी सैंडोज वगैरह में घूमते हैं तो ये काफ़ी आपको अच्छा लुक मिलता है आपको इससे, ठीक है। तो चार एक्सरसाइज है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी और ध्यान से देखना एक एक चीज़, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बो है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना पड़ेगा और उसको ही परफॉर्म कर लेना और रूटीन में डाल लेना। चलिए गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है क्लीन स्नैच, ठीक है। अब स्नैच वो नहीं होता कि चेन छीन के भाग जाना, ठीक है, स्नैचिंग भी होती है, लेकिन जो हमारी लाइन में है, हमारी जो डिस्कवरी है ट्रैप्स की, वो क्या है, हमें इसको स्ट्रेच करवाना है, ठीक है, मेनली क्या है, हमें स्ट्रेच करवाना है ताकि ट्रैप्स पे लोड पड़े। तो इसमें आपको करना क्या है, बारबल होती है जिम में वो ले लेना है। अब जैसे आप बारबल को उठाते कैसे, आपकी जो कोर है वो रिट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये इसको उठा लिया, ओके। अब जो नीज का है, नीज को क्या करना है, आपको हल्का सा बैंड लेना, लॉक नहीं करना, ठीक है। अब स्ट्रक्स वाली पोजीशन में आके इसको स्नैच करना है लाइक दिस, ठीक है। जो आपके नीज है, जब मैं ऊपर करूँगा तो ये लॉक होएंगे, वो वापस नीचे लाके फिर डाउन 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 डाउन। ये आपको 10-10 के 3 सेट्स करने हैं, ठीक है गाइस, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होगा इसमें, और मैं पक्का कह सकता हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज गाइस बहुत ही डिफरेंट है, शायद ही किसी ने देखी होगी, ठीक है, और देखी है तो अच्छी बात है क्योंकि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, लेकिन है बहुत अच्छी। जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे, मैंने 10 रेपिटेशन का बोला है, 15 भी कर सकते हैं, हैवी लेना है, ठीक है गाइस, जितना हैवी लेंगे उतना ज़्यादा क्या पड़ेगा, यहाँ पर लोड पड़ेगा, ठीक। जो बिगनर्स है वो 5 से 6 या 10 भी कर सकते हैं लाइट वेट से, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हैवी जाइए और रेपिटेशन निकालने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा फील आता है आपको। चलिए सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं गाइस। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फॉर्मर वॉक, फॉर्मर मतलब जो किसान चलता है, ठीक है, नाम है इसका। तो अब वॉक से आप समझ रहे होंगे कि वेट को लेके, जैसे किसान क्या कहता है बोझड़ होता है ना, वैसे आपको क्या कहना है, डंपल लेना है, ठीक है, और क्या है उसको साथ आपको मूव करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे स्ट्रेचिंग कैसे होगी, गाइस आपने देखा होगा कभी कभी हम 5 किलो का आटा लेके जाते हैं, नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो बता देता हूँ, 5 किलो का आटा देता हूँ, तो जो थैली होती है उसको हम टांग के चलते हैं, स्ट्रेच होता है, फिर आपने फील किया होगा आपके यहाँ पेन आता होगा, यहाँ दर्द होने लग जाता है ना, तो बस उसी को हमें बैलेंस करना है, हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना है, और जो खिंचाव है मतलब जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ पर फील होगी, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ, डंपल में 15 के ले रहा हूँ, आप 20 या 25 से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए अभी से मेरे पे वो लोड पड़ने लग गया, अब जब आप इसको चलेंगे धीरे धीरे चलना है आपको, एकदम नॉर्मली है, ओके। बाकी मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अकॉर्डिंगली जगह होगी उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। गाइस पूरा लोड इसके ऊपर ही पड़ेगा आपका ट्रैप्स पे, ठीक है, बहुत ही इजी और बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ गाइस, नहीं बताई होगी किसी ने, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फील इतना खतरनाक आएगा। अभी मैंने 15 के डंपल लिए तो मेरे को इतना अच्छा फील आया, अगर आप 25, 30, 35 या 40 तक जाते हैं तो आपका चलना भी मुश्किल हो जाएगा, अगर आप 10 कदम भी चलते हैं तब भी बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बेस्ट एक्सरसाइज है, करना कुछ नहीं, सिर्फ डंपल्स वेट उठाना है आपको, आप इसको बारबल से भी कर सकते हैं, बारबल्स उठाया और चलना है आपको, वॉक करनी है बस, ठीक है ना। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ताकि जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ हो, और आपको एकदम स्ट्रेट चलना है कोर को रिट्रैक्ट करके, फिर देखने कितना अच्छा पंप आएगा। इसमें बिगनर्स वगैरह अपने हिसाब से वेट ले सकते हैं, ठीक है, 10 या 15 या 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलना है, क्योंकि 5 या 6 किलो या 10 किलो तो हर कोई उठा ही लेता है, ठीक है। तो 12 के डंपल लो और वॉक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल्स वो अपना देखें, 25, 30, 35 जितने भी जा सकते हैं, पक्का स्ट्रेचिंग आएगी आएगी और आपको फील आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और बताना मुझे कि कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये एक्सरसाइज, ठीक है।
दो एक्सरसाइज है गाइस, बहुत ही बेहतरीन है। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। थर्ड एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कैसे करना है और इसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ट्रैप्स तो इन्वॉल्व होंगे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डैंक्स हैं वो क्या होंगे, इसमें असिस्टर बन जाएंगे। आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मज़ा बड़ा गजब आएगा, मज़ा, क्योंकि जिम वालों के लिए तो पेन में मज़ा ही है ना। तो अब जब तक पेन नहीं हुआ तो फिर बॉडी बनेगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम इसमें अपराइट और लेटरल रेज का कॉम्बो मिक्स करूँगा मैं, ठीक है। डंबल्स को इसके सीध में रखना जितनी विल थे आपके, ठीक है। ये ऊपर गए, धीरे से लेके आया, फिर ये लेटरल रेज स्क्वीज करना पूरा, स्क्वीज, हल्का सा होल्ड, वापस नीचे होल्ड, डाउन देन होल्ड, फिर वापस, भाई साहब 33rd एक्सरसाइज में बोल जाएंगे आपके ट्रैप्स, ठीक है, कि मुझे छोड़ दे। वो अपने देखे ना आजकल, वो चल रहे हैं कि लोअर बैक बोलती है, कुछ गाली वाली बकती है, ऐसे ट्रैप्स में आपकी गाली बकने लग जाएंगे आपको कि छोड़ दे भाई, बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि चौथी एक्सरसाइज भी है अभी। और गाइस एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप शोल्डर्स कर रहे हैं तो चारों एक्सरसाइज मत घुसेड़ देना उसमें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि चारों एक्सरसाइज भी आपने ट्रैप्स की मार ली, ऐसा कभी नहीं करना। इसमें दो दो एक्सरसाइज मिक्स कर सकते हैं, जैसे दो अभी कर ली शोल्डर्स के साथ, फिर दो नेक्स्ट वीक कर ली, ऐसे कॉम्बो मिक्स करना है आपको, ठीक है। मैं चार बता रहा हूँ, लेकिन चारों की चारों ट्रैप्स की नहीं हो सकती ना, पूरे शोल्डर पे हम वर्क करना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी रेपिटेशन की बात करें तो 10 आपको अपराइट और 10 आपको क्या करनी है, लेटरल रेज करनी है, ठीक है। सबको ही करनी है, बिगनर्स को भी इतनी करनी है। 2.5 का डंबल ले लेना, मैंने 5 से करी है, हेल्प ले सकते हो। इंटरमीडिएट है थोड़ा हैवी करो, लेकिन 10-10 ही करनी है, ठीक है, क्योंकि 20 रेपिटेशन हो जाएगी, 20 रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत अच्छा पंप आएगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ठीक है ना। और मूवमेंट का ध्यान रखना, एक ये, तो ये आपकी एक रेपिटेशन होगी, ऐसे आपको कितनी करनी है, 10, ठीक है। तो कहने का मतलब 20 हो जाएगी, तो उस पर आके रोक देना आप, ठीक है। और 3 से 4 सेट करने हैं, वो सेट आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए स्ट्रेंथ के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा कि आप 4 करो 5 करो, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आप कौन से, अगर आप प्रेप पे है तब भी एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं तब भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतनी लगाइए, ठीक है, फील बहुत तगड़ा आएगा। चलिए चौथी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो हमारी कॉमन एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको हर किसी को पता है इस एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। बारबल स्ट्रक्स है ये, पहले हमें स्ट्रक्स ही परफॉर्म करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मैंने अली बारबल ली है क्योंकि मेरी ग्रिप बैठ जाती है, आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी शोल्डर के लेंथ में होनी चाहिए और आप वेट होना चाहिए उस पर, ठीक है। कोई बड़ी रॉड लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मूवमेंट देना है, हल्का सा आगे बैंड, ठीक है, चेस्ट को रिट्रैक्ट करके शोल्डर्स को मूव कराना, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। ये करने के बाद आपको एक पोज देना है, ठीक है, ट्रैप्स वाला, ये कम से कम 5 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, ठीक। फिर दोबारा रेपिटेशन लगानी है, फिर रखना इसको, फिर अगेन होल्ड। ये आपको 4 सेट करने का, इस लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत ही एडवांस है, ठीक है, देखने में लगती है हमें, लेकिन हम इजीली इसको परफॉर्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कोई भी एक्सरसाइज आप जल्दी नहीं कर सकते जब तक आपको फील ना आए। और फॉर्मेलिटी मत कीजिए जिम में आके कि यार मैं जिम जा रहा हूँ, डाइट लूँगा, फलान लूँगा। वर्कआउट तो कर भाई, वर्कआउट तुम आधा भी नहीं कर रहे, डाइट इतनी सारी ले रहे हो, फिर कह रहे हो बॉडी नहीं बन रही, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको मज़दूरों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वहाँ जाके आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे एक मज़दूर होता है ना, लगा रहता है, ईटे धोता है, आपने उसका शरीर देखा होगा, पूरा छिला पड़ा होता है, कटिंग होती है उसके बॉडी में, और फैट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेहनत करता है। सेम हमारा जिम का भी सही सीन होता है, हमें बिल्कुल कोलो की बैल की तरह मेहनत करनी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कह रहा मैं कि नहीं, भैया ने तो बताया था कि आप बिगनर हो और लग जाओ, स्टार्टिंग धीरे धीरे ही होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे, आपको आदत पड़ती रहेगी, फिर मेहनत कीजिए। इसलिए तो कहते हैं बॉडी बनने में टाइम लगता है, ठीक, जल्दी नहीं बनती, क्योंकि हमें उस फेस में आना होता है पहले, और धीरे धीरे जैसे हम आने लग जाते हैं, फिर हमारी बॉडी खुद ही हमें अब बोलेगी कि मेहनत कर,
कि इससे ज़्यादा पुश करने को खुद ही बोलेगी, फिर आपको पुश करना और अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और बिगिनर्स को मैं बोलूँगा कि हल्का वेट लें, कोशिश करें पोज मारने की, धीरे धीरे पोज भी आ जाएगा, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे वो अपनी लिमिट देख सकते हैं, आप कितनी स्ट्रेंथ है आपकी, उस लेवल पे जाइए, होल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। और पक्का आपको फील आएगा, चार एक्सरसाइज है, चारों को आप ऐड करिए दो दो करके, ठीक है, अपने शोल्डर्स वर्कआउट में, फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना होगा, जो ट्रैप्स है अपने आप ही ग्रो होने लग जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, कि आपके एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक से और शेयर से नॉलेज बटेगी, ठीक है, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन होगा, मैं मोटिवेट होगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।